हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें 2019 और 2020 के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो उसका आज का जो प्रोग्राम है इसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। किस राज्य में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना या पिगरी मिशन भी कहते हैं इसको और क्या कहते हैं इसको, पिगरी मिशन भी कहते हैं, सुअर पालन परियोजना या पिगरी मिशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है, ये पूछ रहा है। बताइएगा फटाफट से आंसर। केरल, मेघालय, तमिलनाडु और असम, कहाँ पर हुआ है इसका, बता दीजिएगा शाबाश। कौन से में हुआ है बताइए। केरल, मेघालय, तमिलनाडु और असम। तो पिगरी मिशन जो है एक्चुअल में पोक के लिए, पिग जो है सुअर, पोर्क के लिए यूज होता है मेघालय में काफ़ी ज़्यादा, और इसका 150 जो है करोड़ का आयात होता है, इंपोर्ट होता है 150 करोड़ का हर साल, हर वर्ष जो है मेघालय में 150 करोड़ पोर्क का आयात किया जाता है मेघालय के द्वारा। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने सोचा है कि अभी इस आयात को, ये पैसा जो वेस्ट हो रहा है इसको हम लोग समाप्त करते हैं, ये कार्यक्रम जो है ऐसा बनाएंगे अभी कि आने वाले 3 वर्षों में मेघालय स्टेट जो है वो पोर्क इम्पोर्ट ना करना पड़े उनको, वो सेल्फ सफिशियंट या आत्मनिर्भर हो जाए, इसके लिए पिगरी मिशन या सुअर पालन परियोजना शुरू की है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना है। ये बात ध्यान रखना है, जो 150 करोड़ का जो आयात कर रहे थे इसको समाप्त करके और 3 वर्षों में मेघालय को आत्मनिर्भर बना देंगे, ठीक है, किस में, पोर्क में, ठीक है। ये मेन मसला, इसको ध्यान रखना है। अब मेघालय की बात आ रही है तो मेघालय के बारे में थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, ठीक है, मेघालय की शिलोंग कैपिटल। इसके अलावा मेघालय के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं, मेघालय की विधानसभा सीटें कितनी है, 60, ठीक है, 60 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, 2, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 1। तो 60, 2, 1, विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मेघालय के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो कौन है, वर्तमान पूछ रहा हूं मैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसके अलावा मेघालय में अगर बात करें तो मेघालय में आपका गारो खासी और जयंतिया हिल्स, गारो खासी और जयंतिया हिल्स, और इसको शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं, शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग पठार जो है, शिलोंग पठार या शिलोंग प्लेट्यू जो है वो मेघालय के अंदर है, जो कि किससे बना हुआ है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों का कई बार क्रम पूछ लेता है, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, कैसे भी, तो वेस्ट में सबसे पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, और इनसे मिलकर बना हुआ है शिलोंग पठार, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो इंडिया के अंदर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये भारत का उसी का हिस्सा है, ये आपका गारो खासी जयंतिया या शिलोंग पठार, ये मालदा भ्रंश जो है उससे अलग हो रखा है बाकी के प्रायद्वीपीय पठार से, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ है, मेघालय में। इसके बाद जो खासी की पहाड़ियाँ हैं बीच वाली, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पर होती है, आपने सुना होगा, वेरी फेमस क्या, चेरापूंजी एंड मौसिनराम जो है ये कहाँ है, चेरापूंजी और मौसिनराम जो है ये कहाँ पर है, खासी की पहाड़ियों में मेघालय में पड़ता है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ अगर पूछ ले तो मौसिनराम है, यहाँ एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है मौसिनराम में होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में, तो ये मौसिनराम जो है इसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर ड्राइस्ट पूछ ले तो ड्राइस्ट प्लेस जो है वो अटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे सूखा स्थान अगर पूछे तो अटाकामा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू के बॉर्डर पे पड़ता है, अटाकामा मरुस्थल, वो भी ध्यान रखना है। गीला सबसे वेटेस्ट मौसिनराम, ठीक है। तो चेरापूंजी जो है इसका 1 डे का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, लेकिन मौसिनराम में 1 ईयर में सबसे ज्यादा होती है बारिश, ये आपको ध्यान रखना है, और दोनों के दोनों खासी की पहाड़ियों में मेघालय में है, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये भी बताना है, साथ में कमेंट में लिखना है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा मेघालय में और कोई बात है, मेघालय में देखा नोकरेक नेशनल पार्क, एक ध्यान रखना है मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है,
नोकरेक नेशनल पार्क और नोकरेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मेघालय के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको मेघालय के बारे में पता होना चाहिए इतना एटलीस्ट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा, हर वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस सॉरी वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस नेता की 125वीं जयंती है, कौन से नेता की इनमें से 125वीं जयंती है वर्ष 2020 में, बता दीजिएगा फटाफट से, 125th एनिवर्सरी। यह क्वेश्चन क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हिस्ट्री में उसने क्या कुछ उसका रहा है तो वो क्वेश्चन और जुड़ जाते हैं। अभी आपसे ये जरूरी नहीं है कि 120वीं जयंती कब है, 125वीं जयंती का ये पूछेगा, लेकिन उसके बारे में और कुछ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार के ध्यान रखने चाहिए, 125वीं जयंती कौन से की बताइएगा, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और मदन मोहन मालवीय। तो ये है विनोबा भावे, विनोबा भावे नाम सुना होगा आप लोगों ने, विनोबा भावे जो है इनका जन्म 1895 में बॉम्बे में हुआ था, विनोबा भावे का बर्थ जो है 11 सितंबर 1895 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो है ये किस चीज़ से जुड़े हुए थे बता दीजिएगा फटाफट से, भूदान, भूदान जो है इससे जुड़े हुए हैं विनोबा भावे, भूदान 1951 के अंदर भूदान शुरू किया था, भूमि दान देना, यानी जो गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और बड़े बड़े जो है जमींदार है जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एकड़ है, तो उन लोगों को प्रमोट किया विनोबा भावे ने कि आप लोग दान कीजिए भूमि का, भूमि दान, ग्राम दान, इन सबसे संबंध है विनोबा भावे का, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सबसे भी इंपॉर्टेंट बात जो विनोबा भावे, इनका एक सर्वोदय मिशन भी है, सर्वोदय अभियान, सबका कल्याण, सर्वोदय माने सबका कल्याण, ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ काम किया, सर्वोदय अभियान है इनका। इसके अलावा भूदान हो गया, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो 1940 के अंदर 1940 के अंदर जो है अगस्त प्रस्ताव के बाद ये आया था आपका, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके अंदर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर सत्याग्राही बने थे सबसे पहले विनोबा भावे, इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्राही कौन बने थे, ये बने थे विनोबा भावे, ये बात ध्यान रखना है, फर्स्ट सत्याग्रही इसमें कौन थे, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन कि कौन व्यक्ति थे जो पहले इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे 1940 में, वो थे कौन, विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, दूसरे बने थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी पूछा जाता है, दूसरे का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, याद रख लोगे इतनी बात, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, पहले कौन थे, विनोबा भावे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो विनोबा भावे को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, विनोबा भावे को 1958 के अंदर रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ विनोबा भावे को, प्लस 1983 के अंदर 1983 में, तब तक वो देहांत हो गया था, तो मरणोपरांत जो है 1983 के अंदर पोस्थमसली मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न दिया गया था, कब, 1983 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है विनोबा भावे के बारे में, राइट। तो भूदान हो गया, इसके अलावा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो, ये आपको ध्यान रखना है विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, क्लियर है। तो 125वीं जयंती अभी किसकी मनाई गई थी, 11 सितंबर 2020 को, तो विनोबा भावे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो है डिजिटल कैमरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा, रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, ये पूछा है आपसे, तो बताइएगा कहाँ पर है ये ऑब्जर्वेटरी, रूबिन ऑब्जर्वेटरी, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है जिसको अभी स्टेब्लिश किया गया है वहाँ पर, बताइए शाबाश, 3200 मेगापिक्सल कैपेसिटी है, 3200 मेगापिक्सल पिक्चर लिया इसने, 3200 मेगापिक्सल, ठीक है ना, तो ये कैपेसिटी है 3200 मेगापिक्सल में क्या पिक्चर लिया इसने, राइट। इससे क्या है कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इससे जो है आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई है, ठीक है ना, जो आकाशगंगाएं हैं वो कैसे गैलेक्सीज जो है उनका विकास वो किस प्रकार से विकसित हुई है, इसके अलावा जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, इससे संबंधित जो सिद्धांत है, रहस्य है, उनके बारे में जानने के लिए जो है ये रूबिन ऑब्जर्वेटरी में सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा
रूबिन ऑब्जर्वेटरी में विकसित किया जाएगा। रूबिन जो है ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर, ये पूछ रहा है आपसे, 2021 तक जो है इसको स्थापित किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, 2021 तक जो है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो कहाँ है बताइए, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। तो क्या है करेक्ट आंसर, चिली के अंदर है ये, चिली के अंदर है ये रूबिन ऑब्जर्वेटरी। और चिली कहाँ पर है, देखिए चिली के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है आपका, इसमें यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर है ये पूरा का पूरा एक पतला सा देश है, बिल्कुल समुंदर के साथ साथ, पैसिफिक ओशियन के बाजू में, पैसिफिक महासागर है इधर, उसके साथ साथ ये है पूरा का पूरा चिली, इसके ऊपर यहाँ आ जाता है पेरू, यहाँ पर है पेरू, ठीक है, ये ब्राज़ील आ जाएगा फिर इधर, फिर इक्वाडोर आ जाएगा, इस प्रकार से ये देश है, इधर अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चिली है, और चिली के अंदर जो है ये ऑब्जर्वेटरी है, और चिली के अंदर, और मैंने क्या बताया आपको, चिली के अंदर अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूखा स्थान जो है, अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा डेजर्ट, जिसका संबंध भारत की मानसून के साथ भी है, पेरुवियन करंट जो होता है, पेरुवियन करंट जो है वो यहीं पर आता है, जिसके कारण भारत में मानसून जब कमजोर होती है, जब जिस बार भारत में मानसून कमजोर होती है उस बार जो है यहाँ अटाकामा मरुस्थल में, अटाकामा मरुस्थल जो आपका है वो यहाँ पर है, अटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा होती है जब भारत में मानसून कमजोर होती है, जब भारत में मानसून ज्यादा होती है उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, ना के बराबर होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और बात करें तो और क्या है चिली के अंदर, ओजोस डेल सालादो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजोस डेल सलादो, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो है, वोल्केनो है ये ओजोस डेल सलादो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, 6,891 मीटर ऊंचाई पे, 6,891 मीटर ऊंचाई है लगभग ओजोस डेल सलादो, इधर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये बात ध्यान रखनी है। और क्या है, और अगर बात करें तो चिली के अंदर जो है कोई खास बात आप अपने लिए है नहीं, और यहाँ पर जो है आपका विश्व से की सबसे लंबी माउंटेन चेन, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन चेन की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन चेन जो है वो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि इस प्रकार से यहाँ है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला बात करें तो भारत में है हिमालय, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन चेन की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका के अंदर, जो कि इस प्रकार से चिली के अंदर से भी जाती है, ठीक है। तो ये है थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान रख लेनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया चिली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, बैंक उधारकर्ताओं को राहत के मूल्यांकन में मदद के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा, जो बैंक उधारकर्ता है उनको राहत देने के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये पूछ रहा है। COVID-19 के चलते जो है इसका पैनल को गठित किया गया है कि किस प्रकार की छूट दी जा सकती है, किस प्रकार का क्या कुछ किया जा सकता है, तो बैंक उधारकर्ताओं के लिए इसके लिए पैनल का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी है, लेकिन इसके अध्यक्ष का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाएगा, तो इसके अध्यक्ष कौन है ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन है बताइए, शशिकांत शर्मा, विनोद राय, वी एन कॉल, राजीव महर्षि, कौन है। तो करेक्ट आंसर है राजीव महर्षि, राजीव महर्षि जो है इस कमेटी के अध्यक्ष है, राजीव महर्षि, राजीव महर्षि जो है वो पूर्व कैग है, पूर्व कैग है, पूर्व कैग, कैग समझते हो ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अभीक्षक जो है वो है आपके कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जिक्र भारतीय संविधान के कहाँ है 148 से 151 जो है अनुच्छेद के अंदर कैग के बारे में उल्लेख है, और राजीव महर्षि पहले कैग रह चुके हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान में केग कौन है ये फटाफट से कमेंट में आंसर लिखो जल्दी, वर्तमान केग कौन है भारत का जल्दी लिखो। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 148 और 151 में केग का उल्लेख है, इसके अलावा केग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक मनी। इसके अलावा जो केग है उसके बारे में और कोई बात, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्ति होती है, तो ये बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है इसके बारे में, बाकी तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, 3 सदस्यीय जो विशेषज्ञ पैनल है इसका अध्यक्ष कौन होगा, राजीव महर्षि होगा, जो कि पूर्व कैग थे, इतना ध्यान रखना, राजीव महर्षि, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया पोस्ट की 5-स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की जाएगी, इंडियन पोस्ट जो है डाक विभाग
इंडियन पोस्ट या इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक विभाग की 5 स्टार जो विलेज योजना है। 5 स्टार क्या है, जो उसकी 5 5 जो परियोजनाएं हैं, 5 स्टार क्या क्यों लिखा है, 5 परियोजनाएं, 5 6 परियोजनाएं हैं उनकी, उससे संबंधित मामला है। तो उसको पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया जाएगा, ये पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो देखिएगा, जो 5 स्टार परियोजना है, इसमें अगर बात करें तो जैसे कि बैंक की बैंक बचत खाते हो गए, किसान विकास पत्र केवीपी हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, भारतीय डाक पेमेंट बचत खाते हो गए, ये तमाम परियोजनाएं जो है ये ग्रामीण स्तर पर जो है लागू करने के लिए प्रॉपर ये 5 स्टार विलेज परियोजना जो है लागू कर रहे हैं, ये 5 स्टार जो है योजना लागू कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक जिले में जो है, प्रत्येक जिले में 50 गांव, अप्रोक्सीमेटली 50 गांव जो है इसके अंडर में आएंगे। प्रत्येक जिले के 50 गांव जो है उनमें इस प्रकार की योजना शुरू की जाएगी। एक डिस्ट्रिक्ट के 50 गांव मतलब काफ़ी एरिया कवर करेंगे ये लोग, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी घोषणा की थी अभी केंद्रीय संचार मंत्री जो हमारे रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। लेकिन क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से पढ़ो और आंसर करो, किस राज्य में पायलट रूप से एक बार शुरुआत करके देख रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो बताइएगा किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, विच स्टेट? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में की जाएगी, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर की जाएगी। अगर डाक विभाग की बात की जाए तो भारतीय पोस्ट जो है डाक विभाग कब शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है जब गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856, उसी टाइम तो रेलवे शुरू हुआ, इसी टाइम डाक विभाग शुरू हुआ, इसी टाइम जो है आपका और भी कुछ शुरू हुआ था। दो तीन चीज़ें थी, रेलवे हो गया, डाक हो गया, इसके अलावा टेलीग्राफ जो है वो भी उस टाइम पे शुरू हुआ, नॉट टेलीग्राम, ठीक है। तो ये कई चीज़ें जो है उस टाइम पे शुरू हुई। तो 1853 के अंदर जो है रेलवे थी, 1854 के अंदर जो है, अक्टूबर 1854 के अंदर डाक विभाग जो है इसका जो है शुरुआत हो गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर पायलट परियोजना शुरू की गई है, पायलट योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ये बात ध्यान रखना है। कैपिटल मुंबई है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में जो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है कुछ एक जो आपका क्या कहते हैं उसको, तेल का भंडार, सर्वाधिक तेल का भंडार जो है, सबसे बड़ा तेल का भंडार जो है वर्तमान में भारत का, तो मुंबई से जो है थोड़ा सा दूर अरेबियन सी के अंदर है बॉम्बे हाई, जिसमें सर्वाधिक ऑयल जो है आज के दिन सर्वाधिक पेट्रोलियम है बॉम्बे हाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में बात करें तो 2 पोर्ट है वेरी, एक तो मुंबई पोर्ट है आपका और इसके अलावा नहावा सेवा पोर्ट। नहावा सेवा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, नहावा सेवा का नाम बदल किया गया था। मुंबई पोर्ट का भार कम करने के लिए नहावा सेवा पोर्ट विकसित किया गया था, ठीक है, जिसका नाम बाद में बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया था। क्लियर क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। देखिएगा, भारत जो है किस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि 2020 में इंडिया 2020 में जो है ब्रिक्स का एनवायरनमेंट सम्मेलन हुआ था, एनवायरनमेंट जो है इनका समिट हुआ था, जिसमें 6ठा सम्मेलन था ये, और इसकी अध्यक्षता की थी रशिया ने। ब्रिक्स का एनवायरनमेंट मिशन का 6ठा सम्मेलन अभी 2020 में समाप्त हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रूस ने 2020 में। अब जो 2021 में होगा उसमें अध्यक्ष पद कौन ग्रहण करेगा, ये मेन क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जो अभी 2020 में छठा हुआ था उसका, प्रकाश जावड़ेकर जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। इसके अलावा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें हम लोग जलवायु के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं कि जलवायु को हम लोगों को, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन उसको रोकना है, तो इसकी प्राप्ति के लिए जो है इन लोगों ने वहाँ पर बात की। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये मैं यहीं पर बता देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर, 2021 में जो है भारत अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा, राइट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, बट ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज ब्रिक्स, तो नाम में छुपा हुआ है पूरा ब्रिक्स, तो बी फॉर ब्राजील, ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ये जो है
इन पांचों का है। इसका गठन हो गया था 2006 के अंदर, स्थापना हुई थी इसकी 2006 के अंदर, इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर चार ही देश थे। 2006 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो उस टाइम इसका नाम एस नहीं था, ब्रिक था केवल, सी पे ख़त्म हो जाता था, यहाँ पे ख़त्म था ये, ठीक है। ये एस जो है वो बाद में लगाया गया है जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है 2010 के अंदर, ठीक है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ है, इससे पहले 2006 में ये चार ही देश थे। और इनकी पहली जो समिट हुई थी, पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ब्रिक्स का, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो है, फर्स्ट समिट 2009 के अंदर ब्रिक्स की पहली सम्मेलन हुआ था, जो कि रूस के अंदर हुआ था, ठीक है ना। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2009 में फर्स्ट समिट रशिया के अंदर हुई थी, पहली समिट जो है या पहला सम्मेलन जो है 2009 में रूस के अंदर हुआ था ब्रिक्स का, ये बात आपको ध्यान रखना थोड़ा बहुत। इसके अलावा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ पर है, संघाई चाइना के अंदर। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर की अगर बात करे आपसे कोई, तो हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का, हेडक्वार्टर्ड इन संघाई, हेडक्वार्टर्ड इन संघाई चाइना, संघाई चाइना के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज का एक देश, इनका एनडीबी जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज का, ये पांच देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया हुआ है, जो कि विकास कार्यों को जो है लोन देने के लिए वगैरह वगैरह के लिए बनाया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये 2014 में बना था, इसमें पांच देश है, और 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के अंदर है, संघाई में, ये बात भी ध्यान रखना है। एनडीबी जो है किसका बैंक है, ये ब्रिक्स देशों का एक बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर भी संघाई के अंदर है, 2014 में इसकी स्थापना हुई। इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आपका हो गया, पद ग्रहण कब करेगा ब्रिक्स का, तो ये करेगा 2021 सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास रिमपैक का आयोजन कहां किया जाएगा जाता है। सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है रिमपैक, 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 इसका आयोजन कहां किया जाता है ये पूछ रहा है। फ्रेंच गुयाना द्वीप, रोरोटोंग द्वीप, ताहिती द्वीप और हवाई द्वीप, बताइएगा। रिमपैक है, रिमपैक मतलब क्या है, रिमपैक का मतलब है द रिम ऑफ एसोसिएशन, द रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन, सॉरी द रिम ऑफ पैसिफिक, द रिम ऑफ पैसिफिक, ये है द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज जो है वो रिमपैक है। और रिमपैक जो है ये अमेरिका का नौसेना अभ्यास है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास माना जाता है रिमपैक। इसका शुरुआत 1970 से जो है, ये द्विवार्षिक है, दो वर्षों में एक बार होता है रिमपैक जो है। और कोविड 19 जो था इस बार फिर भी ये किया गया था रिमपैक, इसलिए जो है थोड़ा सा न्यूज़ में और आ गया। तो द्विवार्षिक है और अमेरिका का नौसेना अभ्यास है, जो कि दो वर्षों में एक बार होता है। ये 1970 से जो है किया जा रहा है, और 1970 से ये कहाँ किया जा रहा है, होनोलुलु के अंदर, होनोलुलु, वेयर इज होनोलुलु, होनोलुलु कहाँ है, होनोलुलु आपका हवाई आइलैंड के अंदर पड़ता है, हवाई आइलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है, हवाई द्वाप द्वीप के अंदर होनोलुलु पड़ता है, वहां पर होता ही है। इसके अलावा छोटी सी एक बात और ध्यान रखनी है यहीं पर आपको, क्या ध्यान रखनी है, अभी हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका देखा था, दक्षिण अमेरिका के ऊपर क्या है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका के नीचे है, इधर नीचे दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है, इधर ऊपर यहाँ पर आपकी मेक्सिको की खाड़ी है, ये मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना, ये यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है, जो सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी, वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर आपके जो है तीन देश है मेन, एक ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर आपका है कनाडा, कनाडा जो है वो आपका यहाँ पर है, ये हडसन की खाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है यूएसए, और यहाँ पर ये जो है ये है मेक्सिको, मेक्सिको, इसीलिए तो मेक्सिको खाड़ी है इधर, ये मेक्सिको देश है, ठीक है। इसके अलावा क्या बात बता रहा था मैं मेन आपको, कि जो हवाई द्वीप है, वो हवाई द्वीप जो यहाँ प्रशांत आपका पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर यहाँ पड़ता है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड आपका इधर पड़ता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यूएसए जो है इसके टोटल 50 स्टेट है, यूएसए के अंदर टोटल कितने स्टेट है, 50 स्टेट है, जैसे इंडिया में है
28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, जिसमें से 48 तो इसके यहां पर है, 48 स्टेट तो यहां पर है। और अलास्का जो है, ये अलास्का, ये इसका 49वां स्टेट है। और हवाई द्वीप जो है वो इसका 50वां स्टेट है, 50th स्टेट जो है वो इसका हवाई द्वीप है, 50वां स्टेट। अलास्का जो है पहले इसका भाग नहीं था, बाद में रूस से खरीदा हुआ है अलास्का इसने, तो ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा रॉकीज पर्वतमाला जो है वो यहाँ पर है, रॉकीज पर्वतमाला जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर रॉकीज पर्वतमाला है, ठीक है, रॉकीज ध्यान रखना, रॉकीज पर्वतमाला यहाँ पर है, क्लियर है। तो ये छोटी थोड़ी बहुत बातें जो है इसके बारे में और ध्यान रख लेनी है। और इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हवाई द्वीप, ठीक है, रिमपैक हवाई द्वीप बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। एक चीज और थोड़ा बता दिया है इसके अंदर, एक बात बता दीजिए मुझे, इसकी दो नदियां हैं मेन आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, दो नदियां मेन कौन सी है, एक है मिसिसिपी और एक है मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी जो है दो मुख्य नदियां हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा 5 झीलें हैं यहाँ पर, 5 लेक्स जो है वो यहाँ पर है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जो है आपकी फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील भी यहीं पर है। और इसके अलावा हुरोन हो गई, हुरोन, ऑन्टेरियो, मिसिगन, मिसिगन झील, एरी झील, ठीक है ये, और इसके अलावा सुपीरियर झील, ये 5 झीलें हैं यहाँ पर उत्तरी महाद्वीप के अंदर और स्पेशली उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में यहाँ, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुरोन, ऑन्टेरियो और इसमें सुपीरियर झील कई बार पूछा जाता है, जो कि कहाँ है आपकी, सुपीरियर झील है यूएसए के अंदर। एनीवे कम टू द पॉइंट, बी इसका करेक्ट आंसर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च किसने किया, हाल ही में जो किसान सभा ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइएगा हाल ही में किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने किया है, CSIR ने किया, इसरो ने किया या DRDO ने किया, किसने किया है बताइए, शाबाश। हाल ही में किसान सभा, किसान सभा ऐप एक्चुअल में क्या है, इससे जो है कोविड कोरोना के चलते जो है लोगों को दिक्कत ना हो, किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ये ऐप डेवलप किया था, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो सुधारा जा सके और फसलों को जो है कहाँ तक लेके जाना है, किस प्रकार लेके जाना है, वो तमाम जानकारियाँ वहाँ पर जो है मुहैया करवाई जा सके, इसके लिए किसान सभा ऐप था और ये लॉन्च किया गया है CSIR और CRRI के द्वारा, CSIR एंड CRRI इनने किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना किससे संबंधित है, तो CSIR और CRRI। CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है CSIR, जो कि 1942 के अंदर बनी थी, 1942 के अंदर जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है आपकी, साइंटिफिक रिसर्च जो है ये आपकी CSIR है। इसके अलावा CRRI जो है वो काउंसिल ऑफ रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो CRRI है, तो ये इन दोनों ने किसान सभाएं विकसित की थी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके अंदर मेन क्वेश्चन के अंदर CRRI तो बोला नहीं है इसने, तो सीधा पूछा CSIR, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी करेक्ट हो गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा पढ़ो इसको जल्दी से, वर्तमान में निम्न में से कौन सा देश NAM की अध्यक्षता कर रहा है, वर्तमान में मतलब 2020 में कौन सा देश जो है वो NAM की अध्यक्षता कर रहा है, नेम क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले, तो अध्यक्षता तो बड़ी बाद की बात है, व्हाट इज नेम, तो नेम क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष दल, नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये है नेम। ये एक्चुअल में क्या है, नेम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, देश आजाद हो गए, भारत आजाद हो गया, उसके बाद जो है 1960s के आसपास जब कोल्ड वार जिसको कहते हैं, उस टाइम पर रशिया और यूएसएसआर, रशिया जिसको यूएसएसआर कहते थे हम लोग पहले, सोवियत संघ कहते थे वो, और अमेरिका जो है दो गुटों में बंटे हुए थे। अब वो दो गुटों में बंटे हुए थे, एक बोल रहा है कि मेरी तरफ आ जा तू, दूसरा बोल रहा है मेरी तरफ आ जा तू, और उस टाइम पर देश जा रहे थे क्योंकि दोनों अपने आप में सुपर पावर थी, रशिया भी और यूएस आपका ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी। लेकिन भारत के सामने जो है उस टाइम पर ऑप्शन था कि या तो सोवियत संघ के सामने जाए या फिर यूएसए के साथ चला जाए, लेकिन भारत ने दोनों को ही नहीं छूना
और भारत के साथ कुछ और देशों ने मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया कि हम लोग किसी के साथ भी नहीं हैं और नॉन अलाइंड है, हम लोग गुट निरपेक्ष दल बनाया हमने, तो नेम के गठन कर दिया। और ये जो नेम है इसका गठन कब हो गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका गठन जो है 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैंडुंग इंडोनेशिया के अंदर है, 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया, इसके तहत जो इसकी स्थापना हो गई थी 1955 में, नेम की स्थापना हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये कई बार पूछा था, सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता है क्या इसके अंदर, एक तो नेम जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई, 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के तहत हुई। इसके अलावा जो पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई, इसकी पहला सम्मेलन है इसका कब हुआ, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी कब हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इसकी हुई थी 1961 में बेलग्रेड के अंदर, ठीक है। पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई इसकी, 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुई, ये आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेलग्रेड में जो है इसकी 1961 में पहला सम्मेलन हुआ नेम का, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि नेम जो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, इसकी स्थापना करने वाले देश कौन कौन से थे, इसमें आपका यूगोस्लाविया क्या उसके जो प्रमुख थे, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री, इजिप्ट के जो मुखिया थे वो, इसके अलावा जो है घाना और इंडोनेशिया के जो मुखिया थे उनके प्रधानमंत्री जो थे, उन सब ने मिलकर, पांच देशों ने मिलकर नेम की स्थापना की थी, यूगोस्लाविया, घाना, इंडोनेशिया, भारत और इजिप्ट, इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे या राष्ट्रपति जो भी देश के प्रमुख थे इन सब ने मिलकर जो है नेम की स्थापना की थी 1955 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो है इसके कितने देश है, कितने कंट्री जो है वो इसके सदस्य है, तो वर्तमान में इसके सदस्य है 120 जो देश है वो इसके सदस्य है वर्तमान में नेम के, ये बात आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने नेम की दो समिट को मिस किया है, 2016 में भी मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज जो है सभी देशों के प्रमुख जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जैसे भारत के प्रमुख कौन है, भारत के प्रधानमंत्री है तो वो भाग लेना चाहिए, लेकिन 2016 में भी उपराष्ट्रपति जी को भेज दिया था इन्होंने, ठीक है जाओ आप पार्टिसिपेट करके आओ मेरे को काम है ऐसा करके, तो 2016-2019 जो है दोनों में मिस कर दिया, तो एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री, बाकी सभी प्रधानमंत्री ने इसकी मीटिंग में भाग लिया है, ये बात आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, नेम की अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है, अजरबैजान, अजरबैजान जो है अजरबैजान कर रहा है, अजरबैजान कहाँ पर, आपका कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी के बिल्कुल किनारे पर अजरबैजान पड़ता है, और अजरबैजान की कैपिटल जो है वो है बाकू, बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल है, कैस्पियन सी जो आपका उसके बिल्कुल साथ में पड़ता है अजरबैजान, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो अजरबैजान अध्यक्षता कर रहा है इसकी वर्तमान में, ये आपको आइडिया रखना, क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं, कौन व्यक्ति है जो यूनिसेफ के जो बाल अधिकार अभियान है उसके सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं, रितेश देशमुख, रणवीर सिंह, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, कौन है बताइएगा फटाफट से। यूनिसेफ जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है ये है आपका यूनिसेफ, शॉर्टली बोलते हैं इसको यूनिसेफ को, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका अभियान है फॉर एवरी चाइल्ड, इसका एक अभियान है फॉर एवरी चाइल्ड, उस अभियान के लिए जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है इस अभियान के, तो आयुष्मान खुराना, ठीक है ध्यान रखना है, आयुष्मान खुराना बने हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो है किसके, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही है यूनिसेफ, और यूनाइटेड इसका हेडक्वार्टर की बात करें और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो गई थी यूनिसेफ की 1946 के अंदर, 1946 में स्थापना हो गई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो आयुष्मान खुराना थोड़ा ध्यान रख लेना नाम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, वर्तमान में इसके 192 मेंबर जो है वो इसके सदस्य है, 192 जो है वो इसके सदस्य है वर्तमान में, ये बात आपको बताना चाहिए, 192 सदस्य है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर 1940 में स्थापना हुई है, क्लियर है सारी चीज़ें। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड भी कहते हैं, CEF चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड भी,
ठीक है, बट यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से ज्यादातर इसको जाना जाता है। तो आयुष्मान खुराना सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में जारी स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 की श्रेणी वाई में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लंबा क्वेश्चन है, वाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक के रूप में निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है, ये बात पूछ रहा है ये। तो स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 की श्रेणी वाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक किसे घोषित किया गया है। हाल ही में जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये रैंकिंग जारी की है, उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है स्टार्टअप परितंत्र के लिए। वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है, इन्होंने ये अभी जारी की है रैंकिंग, जिसमें वाई श्रेणी के अंदर, वाई श्रेणी क्या है, ये कोई अलग श्रेणी आ गई कि वाई श्रेणी, तो देखिएगा क्या है कि अभियान जो शुरू किया गया है, ये जो तैयार किया गया है एक्चुअल में DPIIT के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ आपका इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो DPIIIT है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इसके तहत ये जो है आपकी स्टार्टअप रैंकिंग दी गई है, इसमें दो दो कैटेगरी में डाला गया है स्टेट्स को, एक वाई श्रेणी वाई कैटेगरी और एक एक्स कैटेगरी। जो वाई कैटेगरी है, वाई कैटेगरी में कौन आता है, इसमें टोटल जो है 22 स्टेट है, 22 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इन्होंने इसके लिए जारी की गई है, 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ये रैंकिंग जारी की है। इसमें जो वाई श्रेणी आती है, जो इसमें वाई श्रेणी है, ये वाली वाई श्रेणी जो है, इसमें कौन कौन है, इसमें आपका दिल्ली को छोड़कर बाकी यूटी, दिल्ली नहीं है, बाकी यूटी है, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य, और उत्तर पूर्वी राज्य में असम नहीं है, बाकी सारे राज्य, उत्तर पूर्वी जो आपकी सिस्टर है ना, 7 सिस्टर्स, जिसमें मेघालय है, मणिपुर है, वो सब है, लेकिन असम नहीं है। इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पाई है वो है अंडमान एंड निकोबार। इसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कौन है, वाई श्रेणी में, जो यूटी और उत्तर पूर्वी राज्यों का है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में असम शामिल नहीं है और दिल्ली शामिल नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों का, इसमें इस श्रेणी में अंडमान निकोबार ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पाई है। अगली आती है एक्स श्रेणी, एक्स श्रेणी में कौन आएगा, दिल्ली प्लस बाकी के अन्य राज्य, ये आपकी एक्स श्रेणी के लिए रखा गया इनको। और इसके अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पे कौन है, इसमें सबसे पहले स्थान पे है गुजरात, तो ध्यान रखना है गुजरात है पहले स्थान पर, इसके अलावा जो है कर्नाटक और केरल है, तो गुजरात जो है पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, बट दूसरे की जरूरत नहीं है, गुजरात जो है स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर है, इतना आइडिया रख लेंगे आप लोग, बहुत है, काफ़ी है, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स श्रेणी में गुजरात, वाई श्रेणी में अंडमान निकोबार, क्लियर है चीज़। तो यही थे आज के क्वेश्चन अपने, इसका करेक्ट आंसर दे दो अभी, क्या हो जाएगा, तो इसका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया करेक्ट आंसर, राइट। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पर्संस के साथ कल मिलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो सो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।